अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मालूमात टीवी। आज हम लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे। लॉकडाउन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और पाकिस्तान पर कैसे असरअंदाज हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे नहीं जो कि एक इंजीनियर हैं जिन्होंने यूईटी से इंजीनियरिंग अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऐसे नईम है। क्योंकि आज मुझे उमर साहब ने जो है सिलसिले में बुलाया है कि हम लोग लॉकडाउन के बारे में बात करें, लॉकडाउन के क्या असरात हैं, इसके क्या फ़वाद हैं और क्या उसके नुकसान हैं। उसके अलावा उसके साथ ये है कि लॉकडाउन की सूरत क्यों पेश आई और क्या लॉकडाउन किसी मसले का हल भी है कि जो है वो कंसिस्टेंटली लॉकडाउन इसी तरह जारी रखने से हमें क्या बेनिफिट होगा। तो इन मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आप उमर साहब शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस और मैं उनके आंसर्स जो है वन बाय वन देते जाऊंगा। जी। हसन साहब, आपका लॉकडाउन के बारे में क्या ख्याल है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इस बात में देखें कि लॉकडाउन है क्या। लॉकडाउन जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पे आपको जो गवर्नमेंट या कोई भी जो स्टेट है वो आपको ये चीज जो है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि आप अपने घर को जो है वो लीव करें और बाहर सड़कों पे जैसे रोज़मर्रा के काम जो है वो कर सकें। इसके लिए मैंडेटरी होता है कि आपने जो है अपने घरों में रहना है और जो है वो किसी भी सूरत में किसी किसी से मराद नॉट इन केस ऑफ एमरजेंसी, आप एमरजेंसी के केस में जो है वो घर को छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको जो है वो केसेस बता दिए हैं, लाइक जब आपकी कोई तबीयत खराब है आप हॉस्पिटल जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लॉकडाउन में आपको उस चीज़ की जो है वो छूट है। उसके अलावा जो है बाकी खाने पीने की ज़रूरत की अशिया लेने के लिए आप जा सकते हैं, नॉट इन अ वे ऑफ टेररिज्म और एनीथिंग एल्स। बिल्कुल ठीक। तो लॉकडाउन ने आपको किस तरह मुतासिर किया? देखिए लॉकडाउन जो है वो एक ऐसी चीज़ नहीं जो किसी एक खास स्पेसिफिकली एक बंदे के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, ये पूरे के पूरे आपके इकोसिस्टम के ऊपर, इससे पूरे का पूरा आपका इकोसिस्टम जो है वो इसके इन्फ्लुएंस के अंडर रहता है। इसके अंदर ये है कि हर बंदा हर तबके का इंसान जो है वो इससे जो है वो मुतासर होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा जो डेली वेजिस पे काम करता है, एक लेबर है, तो उसका जो जब वो लॉकडाउन करके घर बैठ जाएगा तो डेफिनेटली डेली वेजिस पे वो काम करता है और तो वो कुछ भी जो है इससे उसका तो रोज चूल्हा ही बंद हो जाएगा तो कुछ भी नहीं कमा पाएगा। तो इस बात को हम इसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि लोगों में एक बात है, एक आम क्वेश्चन लोगों का दिनों में आता है कि लॉकडाउन से क्या फायदे होते हैं। मीन कोरोना वायरस एक ऐसा मर्ज है, क्योंकि फिलहाल तो कोरोना वायरस की वजह से जो है सबको क्वारंटीन एक लिहाज से कर दिया गया है अपने घरों में ताके रहें, लेकिन ये एक इसका क्या हल, कुछ लोगों के जहन में ये आता है क्वेश्चन कि इसका हल तो लॉकडाउन नहीं है। फॉर एग्जांपल आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब वो लॉकडाउन खत्म करेंगे तो लोग दोबारा जो है वो आ जाएंगे और इसी बीमारी यही जो मोजी मर्ज है ये दोबारा जो है वो स्प्रेड कर सकता है। लेकिन इस बात का जो वजह है लॉकडाउन की वो ये है कि हर एक कंट्री की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है कि वो फॉर एग्जांपल कि वो 50,000 पर्संस को पेशेंट्स को एक टाइम के ऊपर जो अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर ये जो जो रेशियो है, ये जो नंबर्स हैं, इसे इंक्रीज करते हैं तो डेथ डेफिनेटली इंक्रीज कर जाती है, इट विल स्प्रेड के ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इस चीज को जो है वो काउंटर करने के लिए जैसे कि जब हम लॉकडाउन कर देंगे तो जो स्प्रेड करने की जो तादाद है जो स्प्रेड कम करेगा बजाय इसके कि वो इंतहाई तेजी से एक फैलता है उसकी जो स्पीड है वो रिटार्ड कर जाएगी। तो जब वो चीज रिटार्ड कर जाएगी तो डेफिनेटली जो है वो लोग घरों में रहेंगे, कम लोग नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे इन अ स्पेसिफिक टाइम, तो वो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी मेडिकल स्टाफ भी होगा, हमारे पास फैसिलिटीज भी होंगी, हम उसको अकोमोडेट करेंगे, वो ठीक होकर घरों में चले जाएंगे, देन नए पेशेंट्स आएंगे और इस तरीके से जो ग्राफ है वो एक मतलब अंडर जो है वो डेंजरस कंडीशन जो है वो रिलाय करेगा। बिल्कुल ठीक आपने बताया लॉकडाउन के जो है वो क्या असरात हो सकते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि लॉकडाउन किया गया कोरोना वायरस की वजह से। तो कोरोना वायरस असल में है क्या, फैलता कैसे है और क्या वजहें हैं कोरोना वायरस के फैलने की? देखिए कोरोना वायरस जो है वो बेसिकली एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ निमोनिया। निमोनिया का ऑलरेडी जो है वो इलाज था, लेकिन जो है कोरोना वायरस एक इस तरह की डिजीज है कि ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टाइप ऑफ वायरस। तो जो वायरसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इस चीज में कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पे एक पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। आम इंसान जो है वो दिन में जो है अपना जो चेहरा है वो 2 से 3 हज़ार मरतबा जो है, मैं इस बात को दोबारा रिपीट करूंगा, 2 से 3,000 टाइम जो है टच करता है दिन में एक आम इंसान।
तो ये जो कोरोना वायरस है ये इट कैन स्प्रेड फ्रॉम सरफेसेस लाइक लॉक्स, हम डोर लॉक्स को छू रहे हैं, हम एक दूसरे से साथ मिला रहे हैं, हम उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को जब छू रहे हैं तो वो हमारे हाथ हाथ से जब हमारे हम चेहरे को टच करते हैं तो वो हमारे नाक के थ्रू जो है वो हमारे अंदर चला जाता है। जब हमारे नाक के थ्रू अंदर चला जाता है तो अब उसके पास दो वेज हैं, या तो वो हमारे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का अल्लाह ताला ने कुछ इस तरीके से निज़ाम बनाया है कि वहां पे जो टेम्परेचर है और जो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी वजह से जो वायरस है वो खत्म हो जाता है। तो जब लेकिन ये जो है इट इज़ नॉट अ हार्मफुल थिंग, लेकिन जो दूसरी वे में जब हमारे साथ जाता है यानी कि जब हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाता है तो वो सबसे पहले ऐसा करता है कि जाके सबसे पहले कनेक्ट हो जाता है हमारे किसी भी प्रोटेक्टिव लेयर अल्लाह ताला ने हमारे लंग्स के अंदर बना दी गई है, उसके साथ अटैच हो जाता है और उसके अंदर अपना आरएनए इंजेक्ट कर देता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इंजेक्ट कर देता है, जिससे जो है वो सेल्स को कोई समझ नहीं आती और वो अपने आप को ही डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैला है। पाकिस्तान और तकरीबन 200 ममालिक में फैला है। इसके अंदर बहुत सारी तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे कि यूएसए, चाइना, इनके घेरे में ये भी उसके घेरे में आए। तो यूएसए जैसी बड़ी कंट्रीज के अंदर डेथ रेट इतना ज्यादा है, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान के इस पर काबू पा पाएगा इजिली? देखिए ये भी चीज़ डिपेंड करती है, हम लोगों को एक कैओस नज़र आ रहा है यूएसए के अंदर। यूएसए जो है काफ़ी ज़्यादा लैंड रखने वाली एक कंट्री है, उसके अलावा उसके लिहाज से अगर हम देखा जाए तो उसके पास पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं है, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री है। जैसे कि आपने ये बात की, जब डेवलप्ड कंट्री होती है उनके पास जो टेस्टिंग मटेरियल है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है, और उस सेम है उसके पास जो उस चीज़ को क्योर करने का जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, लाइक वेंटिलेटर इज़ वन ऑफ देम। तो जब हम लोग बात करते हैं क्योर की, तो अब टेस्टिंग उनकी इंतहाई तेज है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हम लोगों को आइडिया ही नहीं है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर स्प्रेड होने वाले जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है, क्योंकि हम लोग टेस्ट ही नहीं कर पा रहे, क्राउडेड एरिया इतना ज्यादा है, रशी एरिया है, यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रोच नहीं है, ठीक है। इस चीज को जो है इस वजह से पाकिस्तान को जब तक इस बारे में इलम ही नहीं होगा कि जब तक वो अपने टेस्ट करके उसको अपना पता नहीं चलेगा कि पानी कितना गहरा है, तब तक वो उसके हिसाब से इकदाम कभी भी नहीं कर सकता। तो यूएसए के पास जो है वो फैसिलिटीज टेस्टिंग है, उसके अगेंस्ट हमें नजर आ रहा है कि ये डेथ रेट कहीं ज्यादा इंक्रीज कर गया। यूएसए की जो आवाम है, जैसे कि तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसके बहुत सारे ममालिक आते हैं, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली यूएसए की बात करें तो वहाँ पे लोग, उनको तकरीबन ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, उनको अपनी जो है शऊर इस चीज़ का कि हमने लॉकडाउन के अंदर अंदर रहना है और बाहर नहीं निकलना, जिससे कि उसकी स्प्रेड कम होगी। लेकिन पाकिस्तान में हमारे ज़्यादातर लोग जो है इलिटरेट हैं, वहाँ पर उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो लॉकडाउन के अंदर बाहर रहें या अंदर रहें, तो अगर उनको बताएंगे बताया भी जाएगा तो वो अंदर ही रहेंगे। तो इस सिलसिले में आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अंदर हैं, और जाहिर के उन्होंने अपने काम के लिए डेली वेजिस पे काम करते हैं जो लोग, उन्होंने काम के लिए भी बाहर निकलना है, तो उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है कि मैंने आपको ऑलरेडी इस बात में बताया है कि इससे हर किस्म के लोग जो है वो मुतासिर होते हैं, इसमें मजदूर तबका भी शामिल है और इसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं, ठीक है। इसके अंदर हम इंजीनियर्स भी शामिल हैं, डॉक्टर्स भी शामिल हैं, पुलिसमैन भी शामिल है, ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो अब ये है कि जैसे कि आपने बात कही कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही लो है एज कम्पेयर टू यूएसए, तो हम लोगों को जो है वो वाकई ही लोगों को इस बात की समझने की देर है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो ये है सिर्फ मजाक हो रहा है, सिर्फ वही बंदा ये चीज समझ पाता है जो जिसका कोई करीबी रिश्तेदार इस मुझी मर्ज में मुबतला हो जाए या वो खुद इस खुदा ना खास्ता इस मुझी मर्ज में जो है मुबतला हो जाता है। तो बात यह है कि ये बहुत ही हॉरिबल डिजीज है, इट्स वेरी लीथल, कि अगर ये 50+ के बंदे को जो है वो हिट करती है तो वेंटिलेटर के अलावा कोई भी रास्ता जो है वो नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं रहती, ठीक है। तो इस चीज को जो है वो डेफिनेटली हम लोगों को समझना होगा और ये जो है वो इसकी जो है हमें ना समझने की जरूरत है, इसको अंडरस्टैंड करने की जो है वो जरूरत है। अच्छा, आप ये बताएं कि लॉकडाउन कितनी देर तक चलने वाला है, और क्या अभी तक जो लॉकडाउन हमारे पास जो डेट दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से 22 है, तो क्या ये बढ़ाया जाएगा या इसको कम होने के कोई चांसेस हैं, और अगर बढ़ाया जाएगा तो किस सूरत में बढ़ाया जाएगा, और इससे कारोबारी जो लोग हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ाओगे? देखिए जो लॉकडाउन है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट उसकी डेट इंक्रीज करती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसकी डेट आई थिंक 6 तक थी, उसके बाद इसको आगे बढ़ा के 15 तक कर दिया गया और फिर 22 तक। डेफिनेटली गवर्नमेंट को जब तक इस बारे में नहीं पता चलेगा कि
वो गवर्नमेंट जो है वो तब रिएक्ट ऐसे कर रही है कि जब उसको पता लगता है कि अभी हमारी करंट सिचुएशन क्या है, उसके मुताबिक अपने आप को रिकैलिब्रेट करने के बाद गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ के नतीजे पे पहुंचती है कि अब के लिहाज से हमें क्या इकदाम करने चाहिए। तो डेफिनेटली वो इंक्रीज कर रही है, और डेफिनेटली जैसे नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीज हो रहे हैं और जो कि होंगे भी, और उसके बाद क्या कहा जा सकता है उसके बारे में जो है वो नहीं कुछ कहा जा सकता। अच्छा, लॉकडाउन से हट के थोड़ा सा एक सवाल है कोरोना वायरस के बारे में। वो ये है कि कोरोना वायरस अगर किसी शख्स को होता है तो उसकी क्या अलामत हैं, कैसे जाहिर होती हैं, और बंदे को डॉक्टर से कब रजू करना चाहिए? कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बीमारियों में से एक बीमारी है। कुछ पेशेंट्स जो हैं उसके अंदर उसके जो सिम्टम्स हैं वो शो ही नहीं होते, ठीक है। इवन के वो इस चीज़ से में मुब्तला होता है, उसको इसके सिम्टम्स ही शो नहीं होते। जबकि मतलब अगर हम बात करें कि मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स की, तो उसको जो सिम्टम्स देखने में आए हैं कि उनको, क्योंकि मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी डिजीज है, उनको सांस लेने में दुश्वारी, फर्स्ट ऑफ ऑल खुश खांसी, उसके अलावा तेज बुखार, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है अगर वो इंक्रीज कर जाता है 37.6 से, तो इट्स मीन कि आपको अगर इतना फीवर है और आपको खांसी वगैरह आ रही है हिसाब से, तो वे जो है ये लामात हो सकती हैं। अपने आपको क्वारंटाइन कर लें, अलग कर लें, क्योंकि फिलहाल तो उसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आई, तो सबसे बेहतर जो सोल्यूशन है वो अपने आपको क्वारंटाइन करना है। आपके ख्याल से पाकिस्तान में मौजूद जितने भी कारोबार हो रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा कारोबार कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? जाहिर है कि कुछ कारोबार इफेक्ट हो रहे हैं और कुछ के जो है वो जाहिर उनकी सेल्स बढ़ गई हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें ये हमारे दूध वालों की और ये सब्जी वगैरह वालों की, तो इनके कारोबार थोड़ा बढ़ गया, वजह ये है कि इनके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन अगर दूसरे कारोबार देखें जैसे कि मुख्तलिफ शॉप्स वाले हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके कंप्यूटर्स के, मोबाइल्स के बिजनेस, इसके अलावा डिफरेंट जो लोग जिनका काम बाहर था सारा का सारा, वो उनका सारा काम डिस्टर्ब हो गया, तो आपके ख्याल से उन लोगों को कैसे काबू पाना चाहिए और कौन से ऐसे काम है जो बंदा अपने घर में रह के कर सकता है और जिससे अपनी कमाई कर सकता है लॉकडाउन के जरिए? इसके अंदर जो है कोई भी अगर हम लोग एक्ट करते हैं तो उसके जो है वो दो नतायज जो है वो सामने आते हैं, कुछ जो है वो पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं। पॉजिटिव फवाद यही है कि जो है हम लोगों ने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो अंडर कंट्रोल रखने हैं, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है वो डेफिनेटली इकोनॉमी पे और सोशली भी पड़ता है। इकोनॉमी के ऊपर ना सिर्फ वो बंदा अफेक्ट होता है जो कि एक मजदूर है, बल्कि हमारी कंट्रीज भी हैं वो भी इन्फेक्ट होती हैं। इवन के यूएसए की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बैठ गई है, और पाकिस्तान क्योंकि पहले ही जो है पाकिस्तान का मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है, जहाँ पे पाकिस्तान ग्लोबली या इंटरनेशनली काम करता है, तो वो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, उसकी ज़्यादातर इकोनॉमी बेस्ड करती है ज़रई के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें चाइना या अमेरिका की, जिनकी जो है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी डेफिनेटली क्रैश करी है की है, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका के साथ हो चुका है, तो ये जो है वो करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली एक पर्सन की, तो पर्सन डेफिनेटली कुछ लोग ज़्यादा हुए हुए हैं, जैसे कि जिनकी शॉप्स हैं शॉपकीपर्स बहुत ज़्यादा जो है इससे मुतासर हुए हैं, क्योंकि उनकी शॉप उनको जो है वो लॉकडाउन की वजह से बंद करना पड़ी हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी शॉपिंग मॉल्स हो गए लाइक कंप्यूटर, और इवन के कोई कपड़ों की दुकान है या बाजार हैं, वो सब के सब बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी स्टोर और मेडिकल स्टोर जो है वो खुले हैं। तो ये एक लिहाज से जो है वो बुरी न्यूज़ भी है उनके लिए, क्योंकि उनको अपना रोजगार मुतासर होगा, और लेकिन अगर वो जाएंगे तो इसके जो नतीजे, जब ये चीज सामने आती है कि एक तरफ आपका नुकसान हो रहा है और दूसरी तरफ आपका जो है वो फायदा हो रहा है, तो ये चीज देखी जाती है कि नुकसान ज्यादा हो रहा है या फायदे ज्यादा हैं। तो डेफिनेटली इंसानी जान से बढ़कर कोई भी चीज आगे नहीं है, तो हम लोगों को जो है वो अपने इसके ऊपर सेक्रीफाइस ये जो है वो करना पड़ेगा। लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने जो हमें डेट्स दी, टाइम्स दिए हैं, वो उसके अंदर शाम 5 बजे से पहले हमें दुकानें बंद करनी होती हैं सबको। तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कि 5 बजे से पहले जब खुली होंगी तो उसके अंदर डेफिनेटली जो है वो स्प्रेड तो होगा, जितना भी होगा थोड़ी तादाद में होगा लेकिन होगा। तो इसके अंदर क्या इसका प्रॉपर हल यही है कि हम 5 बजे दुकानें बंद कर दें, या कि अगर हम सारा दिन ही खोले रखें तब भी इसका कोई सलूशन नहीं हो सकता इसके अलावा? बेसिकली दुकानें बंद करने का मकसद अगर हम देखें ना, तो ये है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, एक दूसरे से दूर रहना है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने एक दूसरे से शेक हैंड नहीं करना, और उसके अलावा मास्क की जो ये बात देखने में आई, तो इट डजेंट मैटर, कोरोना को नहीं पता कि 5 बज चुके हैं मैं उसके बाद जो है वो फैलना है, कोरोना ने उसी ही रफ्तार से फैलना है। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग ही है कि अगर एक बंदा जो है इससे मुतासिर है, तो जब वो किसी और बंदे के पास जाएगा जो इससे नहीं है, तो उसमें अपने जो है वो ये वायरस ट्रांसफर कर देगा। तो डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट ने केयर्स बताई हैं कि अगर आप जाते हैं ग्रोसरी करने के लिए, तो तब जो है वो आप जाएं और जाके जो है वो
अपना मास्क यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें एक दूसरे से, यानी कि मतलब ज्यादा करीब नहीं रहना, 1 मीटर का एटलीस्ट फासला होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आपने करना है। अच्छा, इसके अंदर मुझे एक और बात पे आप डिटेल बताइएगा कि जाहिर है कि सारे हमारे जितने भी तबकात हैं यहाँ पे वो इससे जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इसके अंदर अगर कुछ लोग देखें जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके लिए जो है कोई ऐसा काम बताएं कि जो घर बैठे कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हमारे मास्क बिल्कुल हर शख्स मास्क की तरफ जा रहा है, तो कोई ऐसा मास्क जो घर में भी लोग बना सकें और उनकी जो है इफेक्टिव सेल्स भी हो जाएं और बगैर लॉकडाउन के मतलब दौरान भी वो अपनी सेल्स कर सकें। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ के जैसे कि फ्रीलांसिंग वगैरह कोई चीज़ आप सजेस्ट करना चाहें लोगों को जिनके पास हुनर है लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। देखें, बात यह है कि अगर हम बात करें कि मास्क की, फॉर एग्जांपल आपने बात की है, तो मास्क आपने बनाए जरूर, लेकिन प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ, बजाय इसके कि किसी का फायदा हो वो किसी को नुकसान ना दें। फॉर एग्जांपल ऐसे मास्क जो कंपेटिबल ही नहीं है कोरोना वायरस को, जो है वो रोकते ही नहीं है, तो अगर आप वो बना के अवाम में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे तो वो अवाम में उल्टा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो इस चीज़ को हम लोगों ने जो है वो करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि मास्क के अलावा जो लोग जिनके पास जो स्किल्स है उसको यूटिलाइज करें। फॉर एग्जांपल मैं जो है अगर कोई चीज़ कर सकता हूँ घर से बैठ के, तो मेरा तो अपना काम जो है वो मैं जो ऑफिस जाके करता था सॉफ्टवेयर का, वो मैं अपना घर पे मुझे कर लिया, क्योंकि ये काम मैं सॉफ्टवेयर का कर सकता हूँ, ऑनलाइन सेल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हर बंदे का काम इस तरह नहीं हो सकता। जैसे कि एक मजदूर है, उसने जाके दीवार अगर बनानी है तो उसने दीवार ही बना सकता है, वो घर में बैठ के काम नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली उसके लिए जो है वो स्टेट को भी कुछ इकदाम करने चाहिए, जो वो कर भी रही है, कि जो बहुत लोअर तबका लोग हैं जो उनको जो है वो कुछ ना कुछ सब्सिडीज दे रही है। तो ये तो है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो, और आप ये चीज उस बंदे ने सोचनी है अपने हालात के मुताबिक कि उसको किस तरह अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, इकोनॉमी के ऊपर सवाल है कि आपकी इकोनॉमी कैसे इफेक्ट करेगी? डजेंट यू थिंक कि आखिर में एक मेस क्रिएट हो जाएगा जब सारी मार्केट्स आपस में ओपन होंगी, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स मतलब बहुत ज़्यादा होंगे, कंपनी जो चीज़ सप्लाई कर रही है ज़ाहिर है प्रोडक्शन बंद है, तो उनकी प्रोडक्शन बंद होने की वजह से उनकी रेट्स उनकी जो स्टॉक है वो कम होगा, कस्टमर ज़्यादा होंगे, तो कितनी हाई रेट्स के ऊपर चीज़ें बिकेंगी और क्या उस टाइम इंडस्ट्री के हालात होंगे? देखिए, इस चीज़ को हम दो तरह कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल चीन जो है वो एक प्रोडक्शन यूनिट है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी प्रोडक्शन मार्केट है, तो वो क्यों जो है वो इफेक्ट होगी अगर उसके पास प्रोडक्शन चीज़ें इस वक्त है, और उसने काफ़ी हद तक ओवरकम कर चुकी है इस बीमारी से। तो बात यह है कि कोई भी चीज़ इकोनॉमी के लिए अगर स्टेबल करना है, तो हम लोगों को कस्टमर्स के साथ प्रोडक्शन चाहिए होती है। सिर्फ प्रोडक्शन भी काम नहीं करेगी, सिर्फ कस्टमर्स भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को गवर्नमेंट बैलेंस करने के लिए काफ़ी हद तक इकदाम कर रही है कि जी आप लोग अपने जहीरा दोजी ना करें, और बाकी ताकि कोई चीज़ मार्केट में कम ना हो, ताकि जब कोई चीज़ मार्केट में कम होगी तब जो है वो लोग ये हाई रेट्स की तरफ जाएगी। अगर आप आटा ले जाएंगे, आपको आटा नहीं मिलेगा, तो आप डेफिनेटली फिर हाई जो है वो पेमेंट दे के भी जो है वो उसको परचेज करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ में बैलेंस रखना चाहिए हमें भी और प्रोडक्शन कंपनीज को भी, कि वो इस चीज़ में बैलेंस रखें। चलिए ठीक है एहसन साहब, बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे शो के अंदर मतलब आए और हमें अपने इतने राय से आगाह किया, तो इंशाल्लाह जो है हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान आने वाले कुछ दिनों के अंदर लॉकडाउन से जल्दी बाहर आएगा और इंशाल्लाह कोरोना वायरस जो है जिस सूरत बढ़ रहा है इसी तरह इंशाल्लाह कम होगा और पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा।